Hello friends, welcome to Lotus Ayurveda India. Friends, आपको मैं बताने जा रहा हूँ पीरियड जल्दी लाने और रोकने के उपाय. फ्रेंड्स, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औषधियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं. जी हाँ, पीरियड्स कितने दिन रहते हैं, मासिक धर्म अपनी शरीर पर निर्भर करता है. कई बार ये 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन कई बार एक समय एक हफ्ते का भी हो सकता है. इसके अलावा कई लड़कियों को कम ब्लीडिंग होती है तो कुछ की ज्यादा. तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पीरियड टाइम पर ना आने का कारण. इसकी देर के कई कारण हो सकते हैं, शारीरिक कमजोरी से लेकर तनाव तक सब कुछ पीरियड्स पर असर करता है. वजन कम होने पर ज्यादा दवाओं का प्रयोग करने से और शरीर में पोषक तत्वों की कमी से भी महावारी टल जाती है. हार्मोन्स का असंतुलन और थायराइड की बीमारी भी मासिक धर्म पर असर डालती है. पीरियड जल्दी लाने के घरेलू उपाय. 1 कप प्याज के सूप में गुड़ मिलाकर पिएं, लाभ होगा. चुकंदर, गाजर और अंगूर का रस फायदेमंद होता है. 3 ग्राम तुलसी के जड़ का चूर्ण शहद के साथ लेने से काम बन जाता है. दिन में 1 बार छाछ पीनी चाहिए. करेले के जूस में चीनी मिलाकर पीने से महावारी नियमित हो जाती है. केले की छाल का 1 ग्राम रस सुबह खाली पेट लेने से रुका हुआ पीरियड भी आ जाता है. गुनगुने पानी में थोड़ा शहद, नींबू और दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से पीरियड जल्दी आते हैं. गर्म दूध में केसर के 2 धागे मिलाकर पीने से भी फायदा होता है. 5 अंजीर दूध में उबालकर उनका सेवन करना चाहिए. आइए जानते हैं पीरियड टाइम पर लाने के लिए क्या खाएं. हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकली खाएं. यदि आप मांसाहारी हैं तो मछली खाकर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जो पीरियड जल्दी लाने में लाभकारी है. उबले अंडे खाएं, इसमें प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम अधिक होता है. बादाम खाने से फाइबर मिलता है और साथ ही हार्मोन्स असंतुलन समाप्त हो जाता है. सोया मिल्क भी पोषक तत्वों से युक्त आहार है. फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पीरियड रोकने के लिए उपाय. अनार के सूखे छिलके पीसकर छानकर रख लें. जब पीरियड अधिक आ रहा हो तो इनका सेवन करें. 200 ग्राम पानी में 2 ग्राम सूखा धनिया तब तक उबालें जब तक पानी 50 ग्राम रह जाए. उसके बाद छानकर मिश्री के साथ पिएं. इससे महावारी के समय आने वाली हैवी ब्लीडिंग रुक जाती है. देसी शक्कर, पिसा धनिया और घी मिलाकर खाने से खून का आना कम हो जाता है. चावल के पानी के साथ पिसा धनिया लेने से पीरियड के समय अधिक हो रही ब्लीडिंग रुक जाती है. तो ये थे फ्रेंड्स पीरियड जल्दी लाने और रोकने के उपाय. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आता हूँ जिसे आप यूज़ कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं. दोस्तों फ्रेंड्स, आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ
बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।